तो फाइनली गाइस 2021 आ चुका और 2020 जा चुका और यूट्यूब ने भी काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस किए, काफ़ी सारी सेटिंग्स जो 2020 की हुआ करती थी वो अब चेंजेस हो चुकी है। तो अगर आप अपने यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको 2021 की न्यू सेटिंग के थ्रू अपना चैनल बनाना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में आपको प्रॉपर वे में पूरा डिटेल में बताऊँगा कैसे आप अपना न्यू यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। आपके पास में मोबाइल है तो आप मोबाइल से भी बना सकते हो, आपके पास में लैपटॉप पीसी है तो आप उससे भी बना सकते हो। चैनल बनाने का सही तरीका क्या है पूरा डिटेल में मैं आपको दूंगा, वेरीफाई कैसे करना है, सारी सेटिंग्स के बारे में, मोनेटाइज क्या है, मोनेटाइज किस तरीके से करना है पूरा डिटेल में मैं आपको दूंगा। और अपने चैनल पर इसी तरीके की वीडियोज़ आपको मिलती रहती है। चैनल बनाने के बाद में आपको सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाना है, वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करना है, मोनेटाइज कैसे करना है, अपने चैनल पर इसी के ऊपर में वीडियोज़ आपको मिलती रहती है। तो प्लेलिस्ट जाके ज़रूर से चेक करना, आप अपने सब्सक्राइबर अपने चैनल को ग्रो भी कर सकते हो। तो अभी हम बात कर रहे हैं किस तरीके से आप अपना न्यू यूट्यूब चैनल बनाओगे, वो भी अपने मोबाइल से। चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। कोई अपने चैनल पे पहली बार है तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसा ही इंटरेस्टिंग एंड जेन्युइन कंटेंट मिलता है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस सबसे पहले तो हमें चैनल बनाने के लिए एक जीमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। आपको जीमेल आईडी बना लेनी है या फिर आपके पास में पहले से होगी। अब आप बोलोगे जीमेल आईडी क्या होता है, गूगल प्ले स्टोर की जो आपकी आईडी होती है ना ये वाली, इसको हम जीमेल आईडी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो ये आपका ऊपर में नाम होता है और ये नीचे में जो आप देख रहे हो ये आपकी जीमेल आईडी है। ठीक है, तो ये जीमेल आईडी आपके पास में पहले से होगी या फिर नहीं है तो एक नई जीमेल आईडी बना लो। अब जीमेल आईडी कैसे बनाते हैं इसमें नहीं बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने दूसरा वीडियो दे रखा है, आप उसे जाके देख लो, जीमेल आईडी आपकी बन जाएगी। आपको करना क्या है, जीमेल आईडी आपके पास में हो गई है तो आपको यहाँ पे गूगल पे आना है और आपको यहाँ पे गूगल क्रोम ये वाला ओपन करना है। ठीक है, ये वाला इसको आपको ओपन करना है और यहाँ पे youtube.com टाइप करें। ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया youtube.com। ठीक है, सर्च कर लेना है तो YouTube आपका ओपन हो गया है। थ्री डॉट पे क्लिक करना है और आपको इसे डेस्कटॉप साइट आपको इस पर क्लिक कर देना है तो ये डेस्कटॉप मोड में काम करने लगेगा, यानी लैपटॉप की तरह आपका ये काम करेगा। ठीक है, देख रहे हो आप यहाँ पे राइट साइड में ऊपर कोने में एक लोगो सा दिख रहा है, ये आपकी जीमेल आईडी है। इसमें ऑटोमेटिकली साइन इन हो जाती है या फिर नहीं होती है तो साइन इन का ऑप्शन यहाँ पे आता है, इस पर क्लिक करके जो आपने नई जीमेल आईडी बनाई है वो डाल के उसका पासवर्ड डाल लेंगे, साइन इन हो जाएगा। ठीक है, ये जो देख रहे हो ना ये लोगो, ये रही आपकी जीमेल आईडी। अब आपको करना क्या है, जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो आपको इसी लोगो पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं इसे हटाता हूँ और मैं इस पर क्लिक करता हूँ, लोगो पे क्लिक किया तो क्रिएट ए चैनल का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आप इसी क्रिएट ए चैनल ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देख रहे हो यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है, आप इस पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देखोगे आपके चैनल का यहाँ पे नाम आ रहा है, जो आपकी जीमेल आईडी का था ना वही इसने दे दिया है। अब ये बोल रहा है कि आप अपना मनपसंद नाम चूज़ करना चाहते हो तो आप ये वाले ऑप्शन को चूज़ कर लो वरना इसे ही रहने दो। तो आपको करना क्या है, हम अपने हिसाब से डालेंगे जो भी हमें डालना है, सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे इस वाले पे। ठीक है, कस्टम वाले। अब यहाँ पे आपको अपने चैनल का नाम डालना है, जो भी आप यहाँ पे नाम रखना चाहते हैं, जिसकी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ये मैंने अपने चैनल का नाम डाल दिया। उसके बाद में ये टर्म एंड कंडीशन है, इस पे क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। अब आपको ये फिर से बोल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो ये आपकी जीमेल आईडी पे नाम लिखा हुआ था, ये फिर से बोल रहा है कि यहाँ पे भी डाल दो। तो हम क्या करेंगे, फिर से डाल देते हैं, यहाँ पे भी मैंने डाल दिया। और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से डाल लेना है, जैसे कि अगर आप दो नाम डालते हो, अगर आपका सिंगल है तो ऊपर में डालेंगे, अगर आप दो नाम रखना चाहते हो, जैसे कि मेरा ये टेक्निकल है और इसको भी मैंने डेमो फैक्ट रखा था, तो डेमो ऊपर में और लास्ट नेम में यहाँ पे हम रख देंगे फैक्ट। तो ये इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, मैं ऊपर में वाई ई डालता बस और नीचे में ये टेक्निकल, तो इस तरीके से दो नाम का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अब ये इंटरफेस आ रहा है तो आप इस पे क्लिक करेंगे और थ्री डॉट पे क्लिक कर देंगे, फिर से डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे इसको। तो अब आप देखोगे यहाँ पे आ गया है तो आपको इस पे फिर से लोगो वाले पे क्लिक कर देना है और आप देखोगे इस बार ना आपका यहाँ पे नाम आ गया है, डेमो फैक्ट जो भी आपने नाम डाला था आपके जीमेल पे वो वाला नाम आ गया, पहले वाला हट चुका है, ये नाम आपके चैनल का हो गया है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, यूट्यूब स्टूडियो का, तो आपको इसी पे क्लिक करना है, YouTube स्टूडियो पे। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया, आपके सामने ये इंटरफेस आ गया। मैं मोबाइल को कुछ इस तरीके से यहाँ पे पकड़ लेता हूँ और इसको यहाँ पे खाली जगह पे मैं क्लिक कर दूंगा तो वो हट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब आप देखोगे आपका जो चैनल है वो पूरी तरीके से यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, बट आप इससे अभी पैसा नहीं कमा सकते। पैसा कैसे कमाओगे वो मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे चैनल बन चुका है, वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, आपका जो सब्सक्राइबर है यहाँ पे दिखाएगा चैनल एनालिटिक। अभी आपका जीरो सब्सक्राइबर है, कुछ भी नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे जीरो सब्सक्राइबर है, तो यहाँ पे जुड़ने लगेंगे आपके कितने सब्सक्राइबर हुए, यहाँ पे दिखाएगा कि वीडियो आपका कितना वॉच टाइम हुआ। और आप यहाँ पे भी जाके देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो एक ऑप्शन मिलेगा आपको ये वाला, ठीक है, मोनेटाइजेशन का, ये डॉलर सा एस बना हुआ है, तो आप इसी डॉलर वाले पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो आपका ये पूरा डैशबोर्ड दिखाया गया, जैसे कि आप देख रहे हो चैनल मोनेटाइजेशन,
तो आपको चैनल मोनिटाइज करने के लिए आप देखोगे ना 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का पब्लिक वॉच टाइम चाहिए। यानी अब जो भी आप वीडियो अपलोड करोगे ना, उन सारी वीडियो का एक साल के अंदर अंदर 12 महीने के अंदर अंदर सारी वीडियो से जितना भी वॉच टाइम जुड़ेगा वो 4000 घंटे में आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका चैनल मोनिटाइज हो जाएगा और 1000 सब्सक्राइबर है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे उससे पहले हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, तो ही हम मोनिटाइज कर सकते हैं, तभी हमें पैसा मिलेगा। तो वेरीफाई करने के लिए आपको करना क्या है, सेटिंग का ऑप्शन आप इस पर क्लिक करेंगे, चैनल का ऑप्शन आप इस पर क्लिक करेंगे, फीचर एलिजिबिलिटी आप इस पर क्लिक करेंगे। अभी इसके डिफॉल्ट फीचर इनेबल है जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपका ये वेरीफाई नहीं है। अभी आपको लाइव का ऑप्शन नहीं मिलेगा, 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, पैसा नहीं कमा सकते, बहुत सारी चीज़ें वो आपको नहीं मिलती है, थंबनेल नहीं लगा सकते। तो उसके लिए यहाँ पे आपको करना क्या, अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो आप यहाँ पे इसे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए आप देखोगे एलिजिबल का यहाँ पे आप देखोगे एक एरो है, ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे और आप देखोगे वेरीफाई फ़ोन नंबर का एक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो आपको वेरीफिकेशन कोड नीचे वाला सेलेक्ट कर लेना है टेक्स्ट में, और आपको यहाँ पे ये कंट्री भी आपने सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपकी इंडिया है, जैसे कि ऑटोमेटिकली इसने सेलेक्ट ले लिया, नहीं लेता तो आप इस पर क्लिक करके लगा सकते हैं अपना इंडिया। यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर आपका चालू होना चाहिए क्योंकि इस पर एक कोड जाएगा, उस कोड के थ्रू आपका ये वेरीफाई होगा। आपको मोबाइल नंबर डालने के बाद में सबमिट पे क्लिक कर देना है, एक कोड जाएगा इस पर, वो कोड अब आपको इसमें डालना है। तो कोड आप देख रहे हो आ गया 8124 38, मैं डाल देता हूँ। कोड डालने के बाद में आपको इसे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सक्सेसफुली आपका जो चैनल है वो वेरीफाइड हो चुका है, जैसे कि आप देखो कंग्रेचुलेशन योर यूट्यूब अकाउंट इज नाउ वेरीफाइड। अब आपको बैक आ जाना, आप देखोगे यहाँ पे मैं फिर से आ गया हूँ, तो दोनों ऑप्शन जो है वो इनेबल हो गए। अब आप 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो अपलोड कर पाओगे, लाइव का भी ऑप्शन मिलेगा, थंबनेल भी लगा सकते हो, मतलब अब आपका जो चैनल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हुआ है। अब आपको यहाँ से पैसा भी मिलेगा, सारी चीज़ें होंगी। पैसा कमाने के लिए आपको ये चीज़ें क्राइटेरिया कंप्लीट करनी पड़ेगी, 1000 सब्सक्राइबर आपको चाहिए। सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाने वो भी मैं आपको बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रखा है, वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करना है वो भी मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाना है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। डैशबोर्ड पे आओगे तो यहाँ पे भी आपको दिखाएगा एनालिटिक, यानी आपके चैनल में चल क्या रहा है, और वीडियो अपलोड करने के लिए यहाँ पे भी ऑप्शन मिलता है, ये लाइव का ऑप्शन है आपका, ठीक है, तो यहाँ से कर सकते हैं। और कॉपी किसी का मत डालना, किसी और का वीडियो आप नहीं डाल सकते, वरना आपको स्ट्राइक आ जाती है, 3 स्ट्राइक आने से आपका चैनल बंद हो जाता है, तो ये ध्यान रखना, अपनी वीडियो डालना है, ठीक है ना। आपको इसमें कुछ सेटिंग करनी है तो आपको सेटिंग ऑप्शन पे आना है, आपको यहाँ पे चैनल वाले ऑप्शन में आना है और एडवांस में आना है। यहाँ पे आप देख रहे हो यस सेट दिस मैड फॉर किड्स और यहाँ पे नॉट मैड फॉर किड्स। आपको ये बताना है कि आपका जो कॉन्टेंट आप चैनल पर डालोगे वो बच्चों के लिए होता है, जैसे कि टॉयज़ वगैरह हो गए, कार्टून वगैरह, कहानी वगैरह, वो बच्चों का कंटेंट होता है, तो आपको यहाँ पे यस करना है। और अगर आपका बच्चों के लिए कंटेंट नहीं है, कार्टून वगैरह नहीं है, तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं, ठीक है ना। नो पे हम सेलेक्ट कर दें क्योंकि हमारा बच्चों वाला कंटेंट नहीं है, तो आप इसे सेव कर लेंगे, ठीक है ना। और नीचे मैं यहाँ पे आपको मिलता है सब्सक्राइबर का, अगर आप अपने सब्सक्राइबर को हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको हटा के सेव कर देंगे तो हाइड हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट पे अपलोड डिफ़ॉल्ट आप इस पर क्लिक करेंगे और एडवांस में आएंगे, और यहाँ पर आप देखोगे कैटेगरी है, अभी आपका कोई कैटेगरी नहीं है लेकिन आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ कैटेगरी मिल रही है, आपको अपने चैनल के हिसाब से कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जैसे कि आप अपने चैनल पे म्यूज़िक की वीडियोस को डालोगे, स्पोर्ट्स डालोगे, या फिर गेमिंग करोगे, या फिर कॉमेडी करोगे, वो कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पे ऐसी कैटेगरी नहीं मिलती है जिस पे आप काम कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं कहना है, पीपल एंड ब्लॉग आपको इस पे क्लिक करके सेव कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड कैटेगरी। बाकी अगर आपको मिल जाता है, जैसे कि आप गेमिंग करोगे तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके अपनी कैटेगरी और यहाँ पे सेव कर लोगे, आपका ये गेमिंग का कैटेगरी का चैनल हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी नहीं मिलता है तो पीपल एंड ब्लॉग सेलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चैनल तो आपका सक्सेसफुली बन चुका है, अगर आपको ये लोगो बनाना है, बैनर बनाना है, तो डिस्क्रिप्शन में दूसरा वीडियो दे दूंगा, वो जाके आप देख सकते हो। और फर्स्ट टाइम वीडियो अपलोड कैसे करें वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रखा है, आपको वीडियो अपलोड करना भी आ जाएगा, वीडियो भी अपलोड कर सकते हो। सारी चीज़ें, मतलब जो भी आपको चैनल पर अब काम करना है वो आपको अपने चैनल पे वीडियोस मिल जाएगी, तो आप जाके चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में। सक्सेसफुली हमारा चैनल यहाँ पे बन चुका है। फाइनली गाइस, आपका चैनल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, चैनल आपका बन चुका है। अब आपको यहाँ पे मस्त मस्त वीडियोस को अपलोड करना है, अपने चैनल पे वीडियोस डालने, और आपको यहाँ पे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाने, वॉच टाइम कैसे बढ़ाना है, चैनल पे किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से आपको ग्रो करना है, मोनिटाइज करना है, इसी तरीके का कंटेंट अपने चैनल पे मिलते रहता है। तो प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करना, और लास्ट में मैं आपको वीडियोस दूंगा
जिनसे आप सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हो और आप अपनी वॉच टाइम को कंप्लीट कर सकते हैं। वो भी जाके देखना SEO क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में अभी आपको सीखना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपको इसी तरीके की वीडियोस यहाँ पे मिलती रहती है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और यार इंस्टाग्राम पे आ जाओ, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना। और गाइस सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाने तो इस वाली वीडियो को जाके ज़रूर से देखना और इस वाली वीडियो को भी जाके ज़रूर देखना और प्ले लिस्ट में भी जाके ज़रूर से चेक कर लेना। चलो मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।